तब तक ये शरीर काम करता है लेकिन वो आत्मज्योति बुझती नहीं है। हृदय में दो भवों के बीच में चोटी के स्थान पर, नाभि के स्थान पर जो दिव्य चेतना संव्याप्त है, जो हमारे मेरुदंड में रीढ़ है, हम आ गए शरण, हम आ हुए को प्रकट कर देता है वह सत्ता है गुरु। जीवन में अवतरित होते हैं तो सारे सुमंगल अनायास आने शुरू होते हैं। स्वमेध महायज्ञ संपन्न किया जा रहा है, हे गुरुवर आप हमारे जीवन में आपकी कृपा मिले तो हमारा यह अश्वमेध यज्ञ सफल हो, इसी भावों के साथ ही आधार सद्गुरु गुरु वंदना। आधार सद एक तुम्हें आधार, एक तुम्हें आधार सद एक तुम्हें आधार जोड़ के बहुत भाव से प्रणाम करेंगे। ओ स्वरंताय सहस्रमूर्ते पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सह। अब यज्ञ कार्य प्रारंभ होगा। ध्यान दे, हमारे गुजरात सरकार के कैबिनेट मंत्री कुबेर भाई टिंडोर जी सपरिवार यहाँ देव मंच पर आकर के आदरणीय भैया ने स्वस्ति वाम स्वस्ति वाचन अर्थात कल्याण या धर्मानुष्ठान कर रहे हैं, उल्लास के प्रतीक पुष्प, निष्ठा के प्रतीक अक्षत जल अपने हाथ में लें, बाएं हाथ की हथेली दाहिने हाथ की हथेली के नीचे दोनों हाथ गोद में रखें, मंत्र पाठ के साथ भावना करें कि हम समित पाणी होकर भावना सहित यह प्रयोग कर रहे हैं। हे प्रियपते, हमें सामूहिकता प्रियता तथा दिव्य निधियां प्रदान करें। सभी देवगण आदरणीय भैया जी का अभिनंदन करते हैं। कहा आपो दीपो भव और हम सब उस प्रकार परम श्रद्धे डॉक्टर साहब का वो दिव्य संदेश अभी सुन सके। वास्तव में श्रद्धे को
यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन जो भी पर उन्होंने अपना दिव्य संदेश यहाँ भेजा है, हम निवेदन करते हैं पाने ईएमडी के भाइयों से, डॉक्टर साहब प्रणव पंड्या जी का दिव्य संदेश हम सबको। पूरे अश्वमेध प्रांगण में बड़े सुंदर रंगोली के साथ दीपक है, कहीं ब्रह्म कमल बना है, कहीं सूर्य देवता विराजमान है, कहीं दीपकों के रूप में मसीह ओम है, और बीचों बीच भारत माता है, महाकाल और महाशक्ति का जो प्रदर्शन श्रद्धा स्वरूप बना है वहां पर भी दीपक है, और यज्ञ कुंडों पर भी दीपक रखे हुए हैं। बाहर के दीपक न जला दें, जब आप भीतर घुस करके रंगोली में भीतर के दीपक जलाएं तब बाहर। सिंथेटिक साड़ियां हैं, जरा आप कपड़ों को संभाल करके रखें, पल्लुओं को संभाल करके। पहले दूर का दीपक पहले जलाएं, पास का दीपक बाद में जलाएंगे। इसी प्रकार ये जो माताएं बड़ी हुई है वो पहले पास का दीपक न जला दें, ना तो झुकते समय आपको ध्यान नहीं, आप पहले दूर का दीपक जलाएं, फिर सबसे बाद में अपने पास का दीपक प्रज्वलित करें। ये चारों तरफ तो लाख दीपकों से अश्वमेध प्रांगण जगमगा उठेगा, और टिमिर टिमिर मेरे दीपक जल प्रदूषण प्रतिफल प्रेतम का पथ आलोकित कर, गुरुवर का पथ आलोकित कर, इस भावना के साथ में चला जा रहा है। आप दीपक जलाएं। ॐ अग्ने सुपथाराय अस्मान्व्यानि देव वायुनानि विद्वान् योध्यस्मज्जुराणमेन भोयिष्ठां ते नमः ॐ दिं ध्यान देंगे मैंने दूर वाले दीपक को पहले जलाएंगे, पास वाले में हाथ बढ़ा के जहाँ दूर दीपक है उसको पहले जलाएं, और अपने नजदीक वाला से जलाएं। ये सावधानी रखें, दुपट्टा साड़ी का पल्ला संभाल करके रखें। दीप यज्ञ का पर्व आया है उद्घाता बंधुओं के द्वारा, जब तक स्तुति अभ्यर्थना हो रही है तब तक आप दीप प्रज्वलित करते। पहले गोले के अंदर के दीपक जलाएं, फिर बाहर के दीपक जलाएं, पहले ऊपर के दीपक जलाएं। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, अपने साड़ी के पल्लू और दुपट्टा एक कर रखें। बोलिए यज्ञ भगवान की। दीपक जलाने प्याले, दीपक ने प्यार बढ़ाने, दीपक जलाने प्यार बढ़ाने, दीप यज्ञ का पर्व आया है, दीप यज्ञ का आया है, आओ जीवन को धन्य बना लो रे, जीवन को धन्य बना लो रे, आओ सुख सौभाग्य लो रे, आओ